रियलमी एक्स टी मुझे लगता है ये बनेगा एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन। जैसे कि आप जानते हैं ये फ़ोन 16,000 में लॉन्च हो चुका है। इसकी जो प्राइसिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ जो बेस वेरियंट आपको मिल रहा है इस फ़ोन का, वहाँ आपको मिलती है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, साथ में आपको ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिल रहा है। बस इस फ़ोन के दो वीक पॉइंट हैं जो कि आपके लिए डील ब्रेकर हो सकते हैं, बाकी आपको सब कुछ परफेक्ट देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों आपको रियलमी XT 730G भी जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसकी कुछ डिटेल भी सामने आ चुकी है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमें रियलमी XT प्रो का वेट करना चाहिए या फिर रियलमी XT के साथ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। दोस्तों कोई भी फ़ोन लेने से पहले 5 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ता है। पहला पॉइंट होता है बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है इस फ़ोन की वो आपको मिलती है टॉप क्लास की बिल्ड क्वालिटी। ये फ़ोन आता है ग्लास बिल्ड के साथ। अब मुझे यहाँ पर अच्छी बात लगी है, जो ग्लास की क्वालिटी है उसको लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और दोस्तों ये रियलमी का पहला फ़ोन है जहाँ पर आपको प्लास्टिक की जगह पर ग्लास देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आपको ये फ्रेम मिलता है साइडों में ये मिलता है प्लास्टिक का फ्रेम, बट जो ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है इसकी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। हमारा सेकंड पॉइंट है इस फ़ोन का डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है जिसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आपको दी गई है वाटर ड्रॉप नॉच, तो इसके डिस्प्ले से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होने वाली। बस एक शिकायत आपको होगी, अगर यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले होता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसमें जो कि बहुत ही सही काम भी करता है। अगर हम बात करते हैं ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में तो इस फ़ोन में आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताओ क्या आपके लिए वाटर ड्रॉप नॉच का होना डील ब्रेकर है, या अगर आपको ओवरऑल एक कम्प्लीट पैकेज मिल रहा हो किसी फ़ोन का वाटर ड्रॉप नॉच के साथ तो आप ये लेना पसंद करेंगे, कमेंट्स में बताना मुझे। हमारा थर्ड और सबसे मेन पॉइंट है परफॉर्मेंस। आपको फ़ोन किसी भी प्राइस का मिल जाए, कैसा भी फ़ोन मिल जाए, बट अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो फ़ोन किसी भी काम का नहीं है। इस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 712, जो कि मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। आजकल ये प्रोसेसर इस सेगमेंट में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। इस फ़ोन के अलावा 3 स्मार्टफोन्स हो रहे हैं जहाँ पर आपको मिड रेंज सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 712 देखने को मिल रहा है, रियलमी 5 प्रो, वीवो Z1 प्रो और वीवो Z1 एक्स। तो ये चिपसेट नया नहीं है, हम ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है, कोई भी आपको शिकायत नहीं होने वाली इसके साथ। चाहे आपका नॉर्मल यूज़ है या आपको गेमिंग करनी है, हर तरफ से आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस के बारे में तो यहाँ पर आपको वही कलर ओएस देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको रियलमी का नया ओएस यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला, और आपको साथ में मिल जाएगा एंड्रॉयड पाई। बाकी अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी UFS 2.1। तो ऐप ओपनिंग टाइम और परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर फास्ट मिल जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है इस फ़ोन की बैटरी। यहाँ पर आपको बैटरी मिल रही है 4000 mAh की, USB-C टाइप पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और आपको मिल रहा है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। वूक 3.0 को ये सपोर्ट करता है और वूक चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ मैं कहूँगा आपको बैटरी को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी डाउन हो भी जाएगी तो बहुत ही फास्ट आप चार्ज भी कर पाओगे। इसका वूक चार्जर कमाल का है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है इस फ़ोन का कैमरा, जिसको लेकर रियलमी ने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था, क्योंकि ये पहला फ़ोन है जहाँ पर आपको इस प्राइस पे मिल रहा है 64 MP क्वाड कैमरा सेटअप। हालांकि चाइना में आपको रेडमी नोट 8 प्रो भी देखने को मिल चुका है, बट इंडिया में ये पहला फ़ोन है। यहाँ प्राइमरी कैमरा है 64 MP का, सेकंड कैमरा है 8 MP का जो कि है वाइड एंगल लेंस, उसके बाद है 2 MP का मैक्रो लेंस, और आपको मिलता है 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 16 MP का। तो रियर कैमरा आपको इस फ़ोन का टॉप क्लास का मिल रहा है, लेकिन अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो वो मैं कहूँगा इस फ़ोन का एक वीक पॉइंट हो सकता है। और ये बात मैं मेगापिक्सल देखकर नहीं बोल रहा, यहाँ पर जो कैमरा सेंसर है फ्रंट कैमरा के लिए वो भी टॉप क्लास का है, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन है उसकी यहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। आजकल आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रंट कैमरा वाले स्मार्टफोन मिल रहे हैं तो उनके सामने ये पीछे रह जाता है, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट चाहिए OTA अपडेट की मदद से। कुल मिला के मुझे रियलमी XT काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगा प्राइस के हिसाब से। अब देखना ये होगा इंडियन मार्केट में बाजी कौन मार के जाएगा, रियलमी XT या फिर रेडमी नोट 8 प्रो, जो कि बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, कौन बाजी मारेगा इंडियन मार्केट में। अब अगर हम बात करते हैं रियलमी XT 730G के बारे में,
यहाँ पर आपको दो से तीन मेजर इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाली हैं रियलमी एच टी के कंपेरिजन में। जो रियलमी का नया फ़ोन आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 730G, जो कि इसके नाम में ही है। पहले हमें लगा था इस फ़ोन का नाम होगा रियलमी एच टी प्रो, बट इसके नाम में ही प्रोसेसर का नाम डाल दिया गया है रियलमी की तरफ से। अब जैसे कि आप जानते हैं जो मीडियाटेक के लिए G90T है रेडमी नोट 8 प्रो में, वो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, तो यहाँ इसको टक्कर देगा रियलमी एच टी प्रो 730G के साथ, क्योंकि 730G भी काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिए। दूसरी इम्प्रूवमेंट है फास्ट चार्जिंग, ये डिवाइस 30 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करेगा। तीसरा हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, कि यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाए 16 मेगापिक्सल की जगह पे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा रियलमी एच टी की तरह, चाहे आप देख लो रियर कैमरा या आप देख लो डिस्प्ले डिज़ाइन, सब कुछ सेम रहेगा। अब अगर आप सोच रहे थे कि रियलमी के नए डिवाइस में फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ भी आपको वही सेम वाटर ड्रॉप नॉच मिलने वाली है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे फुल व्यू डिस्प्ले होता तो मज़ा आ जाता। अब आपको रियलमी एक्स लेना होगा अगर आपको रियलमी का फ़ोन चाहिए फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, तो और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो रियलमी एक्स टी प्रो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, और मेरे अकॉर्डिंग इस फ़ोन का प्राइस रहेगा 19,000 के आसपास, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं अभी इसकी प्राइसिंग को लेकर कन्फर्म नहीं हूँ, जैसे कुछ और कन्फर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अब जहाँ तक बात आती है क्या आपको इस फ़ोन का वेट करना चाहिए, तो देखो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तब वेट करना बनता है, अदरवाइज रियलमी एक्स टी भी अपने प्राइस पे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अब रियलमी एक्स टी के बस मुझे दो वीक पॉइंट लगे थे, एक तो यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले नहीं है, वाटर ड्रॉप नॉच आपको मिल रही है, दूसरा इसका जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, हालांकि मुझे उम्मीद है कि OTA अपडेट की मदद से इसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। बाकी सब कुछ मुझे परफेक्ट लगा रियलमी एक्स टी में। रियलमी एक्स टी 730G में अगर फुल व्यू डिस्प्ले होता तब तो इसका वेट करना डेफिनेटली बनता था, बट अब आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपके लिए रियलमी एक्स टी और 730G में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से, अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।